हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। और दोस्तों, गवर्नमेंट टैब के अंदर दो बैड न्यू अपडेट आई हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको ये वाली दो अपडेट बताने वाला हूं, और आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके टैब के अंदर प्राइवेसी पॉलिसी पर क्लिक नहीं हो रहा है तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, और अगर आपका प्राइवेसी पॉलिसी पर क्लिक हो रहा है तो आप कैसे यूट्यूब को चला सकते हैं। ये सभी चीज़ मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, जो फर्स्ट बैड अपडेट है वो ये है कि अगर आपने अपना टैब कैसे भी नॉर्मल किया है, किसी भी ग्लिच वगैरह का यूज़ करके आप अपने गवर्नमेंट टैब को नॉर्मल कर लिया था, आपने सॉफ्टवेयर वगैरह भी नहीं डलवाया था, तो अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपके गवर्नमेंट टैब के अंदर आपने जो भी इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल क्रोम जो भी कुछ डाउनलोड किया था वो आपके टैब के अंदर से डिलीट हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो थोड़े दिन में हो जाएगा, क्योंकि ये जो अपडेट है ये किसी किसी टैब में आ गई हैं, लेकिन थोड़े बहुत टैब में आना बाकी है तो वो आ जाएंगी। और जो सेकंड बैड अपडेट है वो ये है दोस्तों कि अगर आपके टैब के अंदर प्राइवेसी पॉलिसी पर क्लिक हो रहा है किसी टैब के अंदर, तो आपका क्लिक होना बंद हो जाएगा एक या दो दिन के अंदर। तो काफ़ी सारे टैब के अंदर ये बंद भी हो गया है, क्योंकि सरकार ने अब गवर्नमेंट टैब के अंदर से क्रोम को डिलीट कर दिया है, और अगर क्रोम ही नहीं होगा तो प्राइवेसी पॉलिसी पर क्लिक भी नहीं होगा। हाँ, आपका प्राइवेसी पॉलिसी पर क्लिक हो जाएगा अगर आपके टैब के अंदर आपने सैमसंग इंटरनेट को डाउनलोड किया होगा। तो अगर आपका अभी भी सभी ऐप चल रहे हैं तो आप सैमसंग इंटरनेट को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ये आगे जाके आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि जिनका प्राइवेसी पॉलिसी पर क्लिक हो रहा है वो कैसे यूट्यूब को चला सकते हैं, तो उनके लिए मैं आपको दो ट्रिक बता देता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको आई के बटन पर क्लिक कर देना है, और सेटिंग पर क्लिक करना है आपको, और फिर यहां पर आपको डिवाइस मेंटेनेंस पर क्लिक कर देना है, एंड यहां पर आपको मेमोरी का ऑप्शन दिख रहा होगा, मेमोरी का, तो इस पर आपको सिंपली से क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ चेकिंग होगी, उसके बाद यहाँ पर आपको एक्सक्लूडेड ऐप पर क्लिक कर देना है, उसके बाद यहाँ पर आप प्लस के आइकन पर क्लिक करके इन तीनों में से किसी भी ऐप को ऐड कर लेना है, या फिर आप किसी और ऐप को भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको किसी भी ऐप पर क्लिक कर देना है, फिर आपको परमिशन पर क्लिक करना है, एंड फिर आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है, फिर आपको सी ऑल ऐप विद दिस परमिशन पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर साइड में थ्री डॉट मिल रहे होंगे, तो यहाँ थ्री डॉट पर आपको क्लिक करना है और सो सिस्टम पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है, और यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा गूगल प्ले सर्विस, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर सी ऑल ऐप गूगल प्ले सर्विस पर क्लिक कर देना है, फिर आपको यहाँ पर आई का बटन मिल जाएगा साइड में, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब उसके बाद आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे, यहाँ पर आपको नीचे से स्क्रॉल करना है, और आपको यहाँ पर गूगल प्राइवेसी पॉलिसी पर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं इस टैब के अंदर गूगल प्राइवेसी पॉलिसी पर क्लिक नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आपका क्लिक हो तो आप यहाँ से चला सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ सेकंड ट्रिक। जो सेकंड ट्रिक है उसके लिए आपको सेटिंग को ओपन करना पड़ेगा, और सेटिंग को आप कैसे ओपन कर सकते हैं उसके ऊपर मैंने एक पहले ही वीडियो बना रखी है। अगर आपको नहीं पता कि आपको कैसे ओपन करनी है तो आपको कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जाकर देख लेना, बहुत ही काम की वीडियो है। उसके बाद यहाँ पर आपको यूआई होम सेटिंग पर क्लिक कर देना है, एंड सर्च वाले आइकन पर क्लिक कर देना। अब आप देख सकते हैं आपकी सेटिंग ओपन हो गई है। अब ये मैंने कैसे की आपको डिस्क्रिप्शन वाली वीडियो को देख लेना, तभी आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको सिंपली से सर्च कर देना है कोविड, तो आप देख लीजिए मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ कोविड, और यहाँ पर कोविड लिखते ही आपके सामने ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको नीचे में फाइंड आउट मोर का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है, एंड फिर आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको साइड में थ्री डॉट मिल रहे होंगे, इस पर आपको क्लिक करना है और सेंड फीडबैक पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके नीचे सेंड फीडबैक टू गूगल का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको प्राइवेसी पॉलिसी पर क्लिक कर देख लेना पहले तो आपको। फिर यहाँ पर अगर आपका ये ऑप्शन आ रहा है तो मतलब कि आपका प्राइवेसी पॉलिसी पर क्लिक नहीं हो रहा है, तो अगर आपका यहाँ पर क्लिक हो जाता है तो आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, या फिर आपको लीगल हेल्प मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे से स्क्रॉल करना और फर्स्ट वाले को डाउन कर लेना, और यहाँ से प्राइवेसी पॉलिसी को ओपन करके देख लेना अगर होती है तो, अगर नहीं होती है तो आप समझ लेना कि आपके गवर्नमेंट टैब के अंदर भी क्रोम को डिलीट कर दिया गया है। तो अगर आपके टैब के अंदर प्राइवेसी पॉलिसी पर क्लिक नहीं हो रहा है तो टेंशन मत लेना, इसके ऊपर वीडियो आ जाएगी। ये जो दो ट्रिक थी ये उनके लिए थे जिनका प्राइवेसी पॉलिसी पर क्लिक हो रहा है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जिनका प्राइवेसी पॉलिसी पर क्लिक नहीं हो रहा वो कैसे यूट्यूब को चला सकते हैं। तो दोस्तों, उसकी भी ट्रिक हमें मिल गई है, लेकिन ये दो तीन दिन में अपलोड हो जाएगी, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप इसको इस ट्रिक को कैसे आसानी से यूज़ कर पाएँ, तो इसमें अब दो तीन दिन लग जाएंगे वीडियो को अपलोड करने में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए और इन्फॉर्मेटिव भी होने वाली है, वीडियो जल्द ही आ जाएगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं दोस्तों उस वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।